नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई जयसिंह नगर की बैठक विश्राम गृह जयसिंह नगर में आयोजित की गई। बैठक में थाना जयसिंह नगर के थाना प्रभारी के पत्रकारों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार, क्षेत्र में शराब की बढ़ती पैकारी, बढ़ते अपराध की स्थिति को देखते हुए सभी पत्रकारों ने सर्वसम्मति थाना जयसिंह नगर की विज्ञप्ति बैठकों का बहिष्कार कर थाना जयसिंह नगर प्रभारी की कार्यशैली के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक शहडोल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। दीपक कुमार गंदी की रिपोर्ट। आज की बैठक संजीव पत्रकार संघ द्वारा रखी गई है, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं कोई घटना दुर्घटना हो जाए उसमें फ़ोन न रिसीव करना, अगर किसी तरह किसी से बात हो जाए तो करीब घटना दुर्घटना से 2-3 घंटे बाद पहुंचते हैं, और अगर उनसे कोई बात प्रश्न रखा जाए कि सर ऐसा क्यों होता है, तो वो गाड़ी का हवाला देते हैं और बोलते हैं जाइए आप रिपोर्ट लिखाइए, हम ठेका नहीं लिखाए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। इनको लेकर क्या करेंगे आगामी दिनों में? हम आगे चल के अगर ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन को के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे चल के हम ज्ञापन भी देंगे, और हम पुलिस बैठक में और किसी भी कार्यक्रम में पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक, क्या नाम है? दिवाकर प्यासी, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला उपाध्यक्ष। आज की बैठक में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई जयसिंह नगर की बैठक की गई, जिसमें हम पत्रकार साथियों को जयसिंह नगर थाना प्रभारी से भारी शिकायतें हैं, जैसे कि यहाँ शराब की पैकारी इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर पत्रकार उनको बताते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती है, और थाना प्रभारी द्वारा हमेशा पत्रकारों के प्रति अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, और अगर कोई पत्रकार साथी हमारा अगर फ़ोन भी करता है तो फ़ोन भी नहीं रिसीव किया जाता है, और अगर किसी भी तरह अगर पत्रकार अपनी साथियों के साथ थाना में अगर प्रवेश करता है तो थाना प्रभारी द्वारा बोल दिया जाता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो जैसे शासन के मतलब जो शासन का नियम है उसी नियम से थाना प्रभारी के द्वारा काम किया नहीं जाता है, इसलिए हम लोग आज शांति समिति की बैठक में हमको बुलाया भी गया था, हम लोगों ने आज से मतलब शांति समिति की बैठक में आने जाने से हमने मनाही कर दिया, हम इसका बहिष्कार करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? हम इसके लिए उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन सौंपेंगे, और अगर इस प्रकार अगर कार्रवाई नहीं होती है हम श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने जिला पदाधिकारियों के सहयोग से इस पे दिशा निर्देश करेंगे, जो वहाँ से दिशा निर्देश आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नाम और पदनाम बताएं। मैं राकेश गुप्ता, जयसिंह नगर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।